Hello students, today we learn 3D painting. We will make butterfly on the sheet. कोई भी मीडियम से हम बनाएंगे, पेंसिल कलर, पेस्टल कलर. यहाँ पे हमने ड्राई पेस्टल कलर से कलर किए हैं. 3D पेंटिंग में सबसे पहले तो थोड़ा रियलिस्टिक काम करना होता है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा माइनर डिटेल्स पे काम करना होता है किसी भी चीज़ की. तो काफ़ी जैसे तुमने सीखा है, ज़्यादा डिटेल से काम करना है, मतलब पूरे पेशेंस के साथ, ताकि जो तुम्हारी ड्राइंग है एकदम रियलिस्टिक लगे. उसके बाद जो ट्रिक होती है कि वो सिर्फ एक एंगल से 3D लगेगा, वो भी जिस एंगल से हम उसे कट करेंगे और उसकी शेडिंग शेड देंगे. एक्चुअली 3D लगने के लिए किसी भी चीज़ को लाइट और शेड की ज़रूरत होती है. तो जब हम 3D शो करना चाहते हैं तो लाइट जिस प्रॉपर एंगल से आ रही है, शेड हम जो दिखाएंगे उस चीज़ की, वो बिल्कुल प्रॉपर एंगल से दिखाएंगे, और सिर्फ एक ही एंगल से वो हमें 3D फील होगा. तो उसके लिए हम अब जो कटिंग वाली जो टेक्निक है उस पर वीडियो में तुम ध्यान देना, और कलर अपना बिल्कुल प्रॉपर, ड्राइंग एकदम प्रॉपर और रियलिस्टिक करने की कोशिश करना कि कलर एकदम रियलिस्टिक कर दो. ये सॉफ्ट पेस्टल से काम हो रहा है, सॉफ्ट पेस्टल अच्छे से मर्ज हो जाते हैं, तो तुम सॉफ्ट पेस्टल भी ट्राई कर सकते हो. अदरवाइज़ कोई भी मीडियम ले सकते हो, पेंसिल कलर, पोस्टर कलर, वाटर कलर, जिस पे भी तुम्हारे अच्छे से हाथ चलता है वो वाला मीडियम. और तुम्हें बस रियलिस्टिक करने पे ध्यान देना है, लास्ट में कटिंग. और जब तुम पिक खींच के मेरे पास सेंड करोगे तो वो एक स्पेशल एंगल से होने चाहिए, और उसकी शेड जो सबसे लास्ट में हम देंगे, जो उसकी शेडो होगी सीट पे, वो बिल्कुल प्रॉपर करनी है. ओके, नाउ यू कैन सी हाउ We have to do it.